समस्त पत्रकार बंधु, आज भारतीय सिनेमा के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। बॉम्बे टॉकीज ने वापसी की है, साथ ही उस सपने को पूरा किया है, उस अधूरे अधूरे सपने को पूरा किया है जो बॉम्बे टॉकीज के संस्थापक ने देखा था। म्यूजिक कंपनी की स्थापना कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन जो फिल्म राष्ट्रपुत्र लेके हम लोग आ रहे हैं, जो विश्व की पहली बार 26 भाषाओं में बनी फिल्म है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है संस्कृत, देवभाषा संस्कृत में राष्ट्रपुत्र, आने वाले 23 तारीख को चंद्रशेखर आज़ाद, महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद का जन्मदिवस है। उस अवसर पर उनके व्यक्तित्व कृतित्व को विश्व के कोने कोने पहुंचाने के लिए हमने जो फिल्म बनाई है राष्ट्रपुत्र, उसका मोशन पोस्टर लॉन्च करेंगे और रिलीज डेट की घोषणा करेंगे। इस वक्त यह कहना ठीक है कि जिनको निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, जिनको निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं है पशु निरा और मृतक समान है। राष्ट्रवाद की भावना, सनातन भारत के गौरव की जो विचार है, विश्व के कोने कोने पहुंचाने के प्रयास में हम लोग लगे हैं, जिसकी पहली परिणति है राष्ट्रपुत्र। और महत्वपूर्ण है कि आज का दिन बॉम्बे टॉकीज के लिए ऐतिहासिक दिन है, उसके लिए कहूँगा कितने सालों बाद पुनर्वापसी बॉम्बे टॉकीज ने की है, तो उसकी ये यात्रा अनंत काल तक निर्बाध रूप से चलती रहे, ये मेरी कामना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम। आजाद जी के लिए मेरे को एक शेर याद आ गया है, इजाजत है कि और मैं जो भी गाना बनाया उनको ऐसा क्या मैं बोलूं, कैसे पिक्चर है इसे ब्यूटीफुल। तो ये पिक्चर आ रहा है 14 सितंबर 2018। आप लोग आ रहा हूँ, इतना प्राउड होता है जब भी इस तरह की रंग आप आ जाए। मैंने तो ऑलरेडी बोल चुका हूँ, आई एम सो प्राउड टुडे बिकॉज आई हैव डन ऑल्सो 48 ईयर्स, 600 फिल्म्स कंप्लीट, आई हैव वर्क ऑल द बैनर्स ऑफ बॉलीवुड, बट बॉम्बे टॉकीज जो है वो एक इतिहास है, उसको रिवाइव किया है आज़ाद ने। और जो हिमांशु राय जी का, दुबे साहब का, सबका जो एक सपना था, आज ऑडियो कंपनी खोल दिया, ये मेरे लिए एक बहुत गर्व महसूस करता हूँ, बिकॉज इज़ अ वेरी गुड। बॉम्बे टॉक इसको तो रहना ही चाहिए, बिकॉज मैं सब जगह में बोलता हूँ, आज बप्पी लहरी जो भी कुछ है ये महाराष्ट्र का धरती का आशीर्वाद से है। मैं कलकत्ता से आया, लेकिन धरती माँ का जो आशीर्वाद है महाराष्ट्र का, जय सिद्धि विनायक बाबा का, और उनको साथ में एक ही कहूँगा, ये नाम जो है बॉम्बे टॉकीज, बॉम्बे मेरे लिए बहुत लाखी है, बम्बई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो, फिर से इतना साल बाद आया बम्बई नगरिया, मुंबई की जगह मुंबई नगरिया, वो भी सुपर हिट गाना था। तो मैं एक ही बात कहूँगा, आज मेरे लिए एक बहुत बड़ा दिन है बॉम्बे टॉकीज, और इस जो पिक्चर अभी कंप्लीट किया है, जो मैं अनाउंस किया 14 सितंबर को रिलीज़ हो रहा है राष्ट्रपुत्र, तो उसमें जो मेरा गाना है, 3-4 गाना ब्यूटीफुल, और इन्होंने जो गाना किया एक बहुत सुंदर गाना किया, तो मैं चाहता हूँ आप लोग को सबको बहुत पसंद आएगा, अभी YouTube में आ जाएगा, सब गाना देखेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग आए हैं, थैंक यू वेरी मच, आप लोग दुआ कीजिए बॉम्बे टॉकीज के लिए। देखिए मेरा तो जन्म से पहले ही पिक्चर है, आई बॉर्न इन 1953, उससे पहले कितना पिक्चर देखा है, लेकिन एक चीज़ है, जैसे मेरा फैमिली है अशोक कुमार जी, दादा मुनि किशोर कुमार मेरे मामा जी थे, अशोक मामा जी का पिक्चर, अशोक कुमार जी, अच्युत कन्ना, और काफ़ी बड़े बड़े सुपरस्टार राज कपूर साहब, सब लोग ही ये पिक्चर से आए हैं। संगीतकार भी देखो हमारा सीनियर मोस्ट सलील चौधरी, हेमंत कुमार, कौन कौन नहीं, सब लोग काम कर चुका है। तो मैं चाहता हूँ
कि बॉम्बे टॉकीज फिर से ऐसी एक हिस्ट्री बने रहें और आज़ाद ने पिक्चर बनाते रहे। थैंक यू वेरी मच। लास्ट सवाल है, इंडस्ट्री के बहुत ही बेहतरीन एक्ट्रेस हमारी थे, पहले इरफान खान जी थे, अभी सोनाली बेंद्रे जी बहुत ही कठिन समस्या से गुजर रहे हैं, कैंसर हो गया उन्हें, क्या कहना चाहेंगे, क्या शब्द है आपके लिए? देखिए आज का दिन मैं आई एम वेरी सॉरी, इतना बड़े 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 एक्टर का जो भी होगा, देखिए ये तो मैं मेरा ये दुख का बात आज का दिन का दिन में बोलना नहीं चाहिए, आज एक खुशी का मौका है, आज आज एक क्या है, बॉम्बे टॉकीज जय हो, बस बॉम्बे टॉकीज के जय हो। जो फिल्म में बॉम्बे टॉकीज बनाई, अछूत कन्या, बंधन, झूला, कंगन, किस्मत, महल, सैकड़ों फिल्म बनाई, उसी का परंपरा का पालन करेंगे, साफ सुथरी फिल्म बनाएंगे, हर जात हर धर्म के लोग फिल्म को देख सके और अपने परिवार के साथ फिल्म बैठ के देख सके, इस भावना के तहत फिल्म हमने बनाई है। तो आपको ये आइडिया कैसे आया कि फिर से इसको लाना चाहिए सबके सामने? लाखों लोग चर्चा करते थे बॉम्बे टॉकीज के बारे में, बॉम्बे टॉकीज लेकिन बहुत सी भ्रांतियाँ भी बाजार के अंदर थी, उनको ठीक करके आना ज़रूरी था, और सबसे महत्वपूर्ण था कि कौन से सब्जेक्ट पर काम करें, तो आज़ाद जैसे सब्जेक्ट पर काम करना एक चुनौती थी, जो हमने किया, दादा साहब का आशीर्वाद, दादा के आशीर्वाद से हमने उसे पूरा किया और फिल्म रिलीज के लिए तैयार है। बॉम्बे टॉकीज का तो इतना याद नहीं, इतना वर्ड याद नहीं है, बॉम्बे टॉकीज का गाना तो एक मैं बन का पंछी बन बन बोलूं। दादा मुनि गाए थे, एक्सीलेंट। मैं और दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है। अरे मैं एक चीज बताऊंगा आप लोग को, मैं इतना खुश हूँ, खुश होकर जा रहा हूँ, उसके लिए मैंने दे दे प्यार दे गाना गाया। आप लोग को प्यार चाहिए और कुछ नहीं। आज मैं बॉम्बे टॉकीज के लिए ही कहूँगा, खुशी का गाना, बम्बई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो, रात को खाओ पियो, दिन को आराम करो, अरे बम्बई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो, बॉम्बे टॉकीज का पिक्चर देखते रहो। थैंक यू, धन्यवाद।